ये बंबई है, हिंदुस्तान का दरवाजा, बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर, खूबसूरत शहर। आज से 200 बरस पहले ये शहर नहीं था। समंदर में सोते हुए चंद टापू थे और उन पर मछली पकड़ने वालों के 2-400 झोंपड़े थे। मगर आज इस शहर में 50 लाख आदमी रहते हैं। इनमें से हर आदमी या उसका बाप या दादा कहीं बाहर से यहाँ आया था और उनमें से हर एक अपने मन में छुपा हुआ एक सपना साथ लाया था। 50 लाख इंसान, 50 लाख सपने। बंबई में आने वालों के लिए आलीशान मकान ही नहीं, शानदार होटल भी है, जहां वो एयर कंडीशन कमरों में आराम की नींद सो सकते हैं और सुनहरे सपने देख सकते हैं। बंबई की नई बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत हैं। बंबई वालों के रहने के मकान बड़े अनोखे हैं। वीर सूरमाओं के इतिहास की छत्र छाया में बंबई का नौजवान अपनी तरक्की के हाथ देख रहा है। बंबई की मिलों में रात दिन काम होता है, कई करोड़ गज नफीस सूती और रेशमी कपड़ा तैयार होता है ताकि हर हिंदुस्तानी को तन ढकने के लिए कपड़ा मिल सके। कपड़ा ही नहीं, हिंदुस्तान के सब शहरों से ज्यादा दौलत बंबई में पैदा होती है। देखिए इन कारों को देखिए, मछलियों की तरह सडोल कारें, परिंदों की तरह पंख फैलाए कारें, हवाई जहाजों की तरह तेज रफ्तार कारें। यह खुशहाली और दौलत का कारवां पुकार पुकार कर कह रहा है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह बंबई में भी मशीन ने इंसान को जानवरों की तरह बोझ घसीटने की मेहनत और जिल्लत से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। मगर अब इसी बंबई को इस दीवाने कवि की आंखों से देखिए। पत्थर के इन बुतों की तरह आज बंबई खामोश क्यों है? शहर की रौनक कहाँ गई? बाजार सुनसान क्यों है? ये शानदार बिल्डिंगें खड़ी हैं, मगर इनमें रहने वाले इंसान कहाँ गए? क्या ये शहर मर गया है? क्या ये शहर मर गया है? हाँ, ये शहर शायद मर ही गया है। शहर की सारी रौनक, शहर की तमाम जिंदगी इंसानों के दम से है, और जिस शहर में इन इंसानों और उनके सपनों के लिए जगह नहीं, वो शहर नहीं वीराना है। वीराना, ये वीराना है या शहर है, जो भी है, हर रोज देश के कोने कोने से कितनी ही ट्रेनें बंबई आती हैं और हर ट्रेन में सैकड़ों नौजवान आते हैं और उनमें से हर एक के दिल में एक सपना छुपा होता है। हर बार जब ये सपना शहर की पथरीली दीवारों से टकराता है तब एक नई कहानी जन्म लेती है।
रामबाड़ी छपरा वाला चाल 2 रुपए होंगे तो ठीक है जी। अरे चीच बाप रे बाप खोली नंबर 14 रामू काका यहाँ रहे हैं ना? रामू काका? कौन रामू काका? अरे चौधरी रामदीन निसार वाले। हमको नहीं मालूम, मगर उन्होंने तो लिखा था बंबई आओ तो मेरे पास उतरना। अरे भाई जी। अरे भाई तुम्हारे काका तो गए सोनापुर। सोनापुर? वो कहाँ? हाँ सोनापुर यानी शमशान। कल उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया तो मैं रहूंगा कहाँ? जी ये तुम्हारी है जी।
पत्थरों की बस्ती है, पत्थरों का जिंदा है, पत्थरों की दीवारें जिनमें कैद इंसान है, पत्थरों की सेजे है, पत्थरों का बिस्तर है, पत्थरों के तकिए है, पत्थरों की चादर है, नींद और सपने भी पत्थरों में ढलते हैं, पत्थरों के सीने में कितने पाप पलते हैं, कितने पाप पलते हैं। शाम भी कहाँ हुई, ये शाम भी कहाँ हुई, शाम भी कहाँ हुई। God bless you, my friend. Suno, Kaka. Kaka? You mean uncle? I am jolly uncle, my son. आप रात के सोने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? जरूर बताना सकता। कौन सा होटल मांगता? ताज, रीज, ग्रैंड होटल, एम्बेसिडर, हम सब का किस्ता में वायलिन बजाया है। मेरे पास तो पैसे बहुत कम है। कितना है? देखिए जी, मेरे पास 1.57 रुपये में पैसे और ये 1.70 रुपया नया पैसा और टाइम फीस। नो मनी बट एम्पल टाइम। कोई बात नहीं माई सन, हम लोग के पास घर नहीं, कपड़ा नहीं, खाना नहीं, सिर्फ टाइम है, समय है हमारे पास। कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ चलो। मगर कहाँ? अरे बम्बई का सबसे बड़ा होटल में, एज हाई एज स्काई, एयर कंडीशन, चारों साइड से इधर उधर हवा बहता है। कमान कमान, कोई बात नहीं, हमारा बनारसी भैया से पहला हमें एक चिरुट ले लेगा और फिर हम जाएगा है? चलो चलो चलो। राम राम बनारसी भैया। अरे दीवाना साहब, राम राम राम, कहाँ कहाँ हाल चाल हो, एक बनारसी चकाचक। पान क्या खाऊंगा भैया, अभी तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। लो एक ठन्नी दिलवाओ, ये किताब रख लो। भैया इसे अपने लगे रखा। राम 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 की कुकरम, हम विद्या का सौदा नहीं करीब दीवाना साहेब। मुदा ये बगल में कगदे का पुलिंदा कैसन बन ले, पान बांधे का काम दे। ये मैं किसी कीमत पे नहीं दे सकता, ये रद्दी कागज नहीं, मेरा खून और आंसू है। अरे भैया दीवाना साहेब, इस शहर में खून और आंसू साथ बिकाला। छोड़ाई कुल बात, इले अठंगी और ई तोहार चिट्ठी आ गई। चिट्ठी? हाँ। हेलो मिस्टर बनारसी भैया, हमारा चिरुट। अरे जौनी साहेब, चिरुट नहीं चट्टा, कहा चट्टा इले। ये अपना लोग का नया फ्रेंड बोला रहा हूँ, मिस्टर दीवाना, पॉइंट ऑफ द फुटपाथ। आप बड़ी अच्छी कविता कहते हैं, शाम को आप ही गा रहे थे ना समुद्र के किनारे।
ये ओनली पोएट नहीं है, बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट भी है। क्या मिस्टर दीवाना, तुम्हारा नॉवल कैसे चल रहा है? पूरा हो गया है जी, पब्लिशर की चिट्ठी भी आ गई है। पूरे नॉवल के 125 रुपए दे रहे हैं। 125? वंडरफुल वंडरफुल। ये है पिया, ये किताब का 125 रुपया। ये किताब नहीं है बनारसी भैया, मेरी एक साल की मेहनत है, मेरा खून और आंसू है। जौनी साहेब, ये अपन कबीरा एक दीवाना भी दीवानन में एक कै नग हो। फुटपाथ पर भूखन मराला मुदा फिल्म का गाना नहीं लिखा। Yes, he's a real poet. का बिटवा, फिल्म में हीरो बने आया हुआ? नहीं जी, मैं तो काम ढूंढने आया हूँ। कहाँ से आवा? हिसार से। हिसार से? बनारसी भैया जी, मैं भी अपनी चिट्ठी आपके पते पे मंगवा सकता हूँ? जरूर जरूर, जेकर कहीं ठिकाना नहीं हो बिटवा, वो कर यह पता हो। सुना, बम्बई नंबर 14-11वीं गली काला गांव रोड मार्फत बनारसी भैया पान फर्रोक। पान वाला नहीं बिटवा, हाँ, जैसे कि बम्बई के वाले होलन। का कहते हैं, हाँ, सोडा वाटर की बाटली वाला, घास वाला, भूसा वाला, कुर्ता वाला, टोपी वाला, पैंट वाला, खुलाबा वाला, वगैरह वगैरह वाला, का कहते हैं, समझ ले? अरे बिटवा, सही कारण अपने मतारी के जब लिखे, वो तो खबर पढ़ के खस रही जाए। आपन पैसा वसूल। उम्र एक दिन हो के 100 साल गुजर जाती है, दोष पर कमली हो या शाल गुजर जाती है, घर अमीरों की बाल गुजर जाती है, हम गरीबों की बहर हाल गुजर जाती है। गुड इवनिंग अनवर मियां। किसने हमें पुकारा फरिया जी? यस योर मैजिस्टी। जॉनी बाबा, योर मैजिस्टी, आपके लिए एक नया गुलाम हाजिर है। भोलाराम बल मनसाराम। ए बॉय, अनवर मियां हमारा फुटपाथ का किंग है, समझा? ये तुम्हारा केयर करेगा। बी काइंड टू हिम योर मैजिस्टी। बैठ जाओ बरपुला, बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ भाई। ये तुम मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर मैं तो बंबई आ जाया हूँ, शायद सपने में देखा हो। हाँ बरपुदार, वो भी एक सपना है, फिल्म के पर्दे पर देखा होगा शायद। जी हाँ, आपने शाही लकड़हारा में बादशाह का पार्ट अदा किया था। हाँ, बहुत ठीक कहा तुमने। अरे जॉनी बाबा, सुना सुना कि नहीं, इस बरखुरदार को मेरी अदाकारी शाही लकड़हारे में याद है, और आजकल के डायरेक्टरों ने मुझे एक्स्ट्रा बना दिया है, मगर मुझ जैसा अदाकार एक एक्स्ट्रा के रोल में भी अपने अदाकारी के जौहर दिखा सकता है। बरखुरदार, तुमने ये तस्वीर कहाँ देखी थी? हिसार में। हिसार? हिसार पानीपत करनाल रोहतक हिसार। हाँ, सन 20 में मैं तुम्हारे हिसार भी हो आया हूँ, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी के साथ। हमने वहाँ ड्रामा कौन सा किया था? देखो मैं बताता हूँ, हमने किया था ड्रामा यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मगर बरपुरदार, उस जमाने में तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। मैं नहीं, मेरे बाबा इस नाटक की बात किया करे थे, उन्होंने सारी उम्र वही एक नाटक देखा था। कहे थे उसमें जो एक्टर यहूदी का पार्ट करे था वो कमाल करे था। वो मैं था। मैं भाई मास्टर अंदर यहूदी की लड़की, मजलूम और कंगाल यहूदी, सितम गरी से चमन मेरा पाए माल किया, कथाई तूने मेरे खून को हलाल किया, सुलूक मेरा गरीबा में डाल मुंह, और देख कि तेरी बेटी को है सीध कर निहार किया। अब कहो हम तुम्हें क्या इनाम दें?
तुम अपना बिस्तरा साथ लाए हो? जी लाया तो था, मगर चोरी हो गया। ये बंबई है मिस्टर भोला राम, बंबई। यहाँ तो लोग राह चलते का जूता उतार लेते हैं, सर के नीचे से तकिया निकाल लेते हैं, आंखों में से सुरमा चुरा लेते हैं, होठों की मुस्कुराहट उड़ा लेते हैं और पता नहीं चलता। फिक्र करने की कोई बात नहीं मियाँ, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। ये लो, ये रही दरी, ये चादर और ये रहा तकिया, और हाँ ओढ़ने के लिए ये ले लो। ले लो? हाँ हाँ ले लो। बहुत मेहरबान। अरे बरखुरदार, एक गुनाहगार क्या मेहरबानी कर सकता है, मेहरबानी सिर्फ उस अल्लाह। माता जी नमस्ते, मैं राजी खुशी बंबई पहुंच गया हूँ। मुझे रहने को बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, ये बहुत बड़ा मकान है और छत बहुत ऊंची है, काम मिलते ही तुम्हें रुपया भेजूंगा। माता जी आप बिल्कुल चिंता ना कर, माफ करो बाबा आगे मांगो। वे छोकरे मशवरी करता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ? जी नहीं, आपने अपना परिचय तो कराया ही नहीं। परिचय तो कम करके देता हूँ। अब तो मिल गया मेरा परिचय, मैं हूँ जग्गा, इस फुटपाथ का राजा, मुझे नजराना दिए बगैर यहाँ कोई नहीं रह सकता। पत्थर का भगवान यहाँ है, पत्थर का शैतान, पत्थर के दिल, पत्थर के सर, पत्थर के इंसान, कोई रास्ता कैसे पाए, दिल का हाल किसे समझाए, चारों खड़ी है देखो पत्थर की संतान, पत्थर की संतान। शाम भी कहाँ हुई, ये शाम भी कहाँ, बंबई में तुम्हारा पहला सबक है बरखुरदार। यहां जिंदा रहने के लिए तुम्हें फुटपाथ के पत्थरों की तरह सख्त बनना होगा। फिर भी मैंने जो पैसा नहीं दिया अनवर मियां, पैसा नहीं दिया। मां, तुम
मेरी तरफ से कोई चिंता ना करना। यहाँ सब बड़े प्यार और मेहरबानी से पेश आते हैं। आप का बेटा भोला राम बनता राम। क्यों बरखुरदार भोला, क्या नींद तुम्हारी आंखों से बेवफाई कर रही है? जी जी नहीं, ठीक हो जी, ठीक हो। देखिए ना, ऊपर कोई सेठ जी भी जाग रहे हैं। कमल के बिस्तर पर नहीं सोते अमीर, और गरीबों को तो कांटों पर भी आ जाती है नींद। बादल आ रहे जी, कहाँ जाएंगे? शरीफ आदमी, गुंडा नहीं। तो इस समय यहाँ किस लिए आए हो? बारिश से बचने और क्यों आते? मुझे क्या मालूम था तुम यहाँ रहती? और जो मैं पूछे बिना तुम्हें मार देती, अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं। तुम सारे मर देके, सब शैतान। अगर तुम्हें मुझ पर शुभ है तो मैं बाहर चला जाता। भीग गया तो ज्यादा से ज्यादा निमोनिया ही तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, रहने दो, बड़े जोर की बारिश हो रही है। सोना है तो जहाँ बैठे हो वहीं पड़े रहो, पर याद रखना कि मैं जाग रही हूँ। बाप रे, छोकरी है कसाई, बात बात छुरी दिखाती है। क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस यही कह रहा था कि बरसात तो मानस पाइप पर ढोल बजा रही है, मैं भी नहीं सोऊंगा। तो फिर बैठे रहो। आओ कोई बात ही कर। क्यों? क्यों? ऐसे वक्त काटने के लिए। क्या बात करोगे? अरे कोई भी बात कर, मन अपने ही बारे में। अच्छा लो, पहले मेरी सुनो। मैं इस शहर से आया, हमारा छोटा सा शहर है उत्तर में, दिल्ली के पास। हमारे हिसार में
ये बड़े बड़े बैल है और ये बड़ी बड़ी सिंगों वाली भैंस है, यानी दिन भर में 20-20 शेर दूध दे रहे हैं। हाँ 20-20 शेर। मेरे बाबा खेती करे पर मुझे उन पढ़ने को स्कूल में भेजा, कहते मेरा बेटा स्कूल पास करके एग्रीकल्चर कॉलेज जाए, फिर हमारी जमीन सोना उगेगी सोना और हमारे सब दरिद्र दूर हो जाएंगे। पर मेरे बाबा यही सपने देखते देखते मर गए, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, हमारी जमीन साहूकार के पास गिरवी रखी हुई थी, फिर हमारा एक बैल मर गया और एक को बेचना पड़ा साहूकार का सूद देने के लिए। तो मैंने कहा माँ तू फिक्र मत कर, मैं बंबई जाकर इतना रुपया कमाऊंगा, इतना रुपया कमाऊंगा। अब तुम अपनी बताओ, तुम्हें कैसी आई, कहाँ से आई और ऐसी अकेली क्यों रहती हो? ये सब बातें मैं कैसे बता सकती हूँ एक अनजाने आदमी को? अरे शर्म लिहाज तो जान पहचान वालों से होती है। पानी ले आई? मम्मा मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। अरे ये क्या नदी पर गई और पानी नहीं लाई? खैर मम्मा भी लाती है। राधा बेटी आज से तुम 2-4 दिन के लिए बाहर पानी लाने को न जाना, समझी? बधाई हो राधा की माँ, बधाई हो। पंडित जी ने सोमवार की मुहूर्त निकाली है, बस अब तुम तैयारियां शुरू कर दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। बाद में होंगे, पहले दहेज की पूरी रकम मिल जानी चाहिए। भाई मैं तो पहले ही दहेज की सारी रकम दे चुका हूँ, पूरे 2000। 2000 से काम नहीं चलेगा, अपनी छोकरी की सूरत तो देखो, इसके लिए तो 5000 लूंगा, पूरे 5000। भाई ऐसा जुल्म न करो, तुमने जितने मांगे थे मैंने तुम्हें दे दिए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो ये घर लड़के के नाम लिख दो। घर भी लिख दूं? हाँ जल्दी करो वरना हम बारात वापस ले जाते हैं। नहीं नहीं मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बारात वापस ना ले जाओ, मैं लिख ही देता हूँ। नहीं बाबा। राधा। अरे शंकर चल यहाँ से, हमें ऐसे भीषण घराने में ब्याह नहीं करना, चलो भैया चलो। नहीं नहीं संदीप जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, भाइयों आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ, छोकरी अभी आ जाएगी, आप बारात वापस न ले जाइए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मुझ पर दया कीजिए भाइयों, मुझ पर दया कीजिए। राधा की माँ अब मैं गांव में किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, इससे तो बेहतर था कि ये मर जाती या फिर मैं मर जाता।
पर मैंने तो अखबार में पढ़ा था सरकार ने नवा कानून बनाया, कोई जबरदस्ती दहेज मांग ही नहीं सकता। हाँ बनाया होगा, पर लगता है यह कानून अभी हमारे गांव में नहीं पहुंचा। मैंने तो माँ से कह दिया, देख माँ मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। डर तो मुझे तुमसे लगता है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था मुझे नींद बहुत आ रही है। अरे कहाँ गई? नाम भोला राम, बाप का नाम मनसा राम, शिक्षा मैट्रिक तक पढ़ा है, शादी अभी तक नहीं हुई। काम मांगे तन कागज मिला जी? मांगा काम और मिला कागज जी? ये फॉर्म सबको भरना पड़ता है। अच्छा ये लीजिए। लाई काका मैं भर देता हूँ। शाबाश शाबाश। नाम? पांडू रंग, लोग मुझे पांडू पहलवान कहते हैं। बाप का नाम? भास्कर राव। भास्कर राव। शिक्षा? शिक्षा ये। ये लो न्यू मावे मिल का पता, वहां वो लोग नए मजदूर भर्ती कर रहे हैं। भाई पांडुरंग तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, अब तो सिर्फ एक ही जगह रह गई है। पर बाबूजी ये मेरा दोस्त भोलाराम है ना, हिसार से आया है, इसको भी तो चाहिए नौकरी। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो सिर्फ एक ही नौकरी रह गई है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अगले को चांस दो। एक ही नौकरी? अजी रहने दो अपनी नौकरी, वहां तो सब काम मशीनें करती हैं, ऐसा काम तो एक बच्चा भी कर सकता है। हमको कोई भारी वजनदार काम चाहिए बाबूजी, ये नौकरी तुम इस छोकरे को दे दो। हाँ लो भाई भोलाराम तुम अभी फौरन पहुंच जाओ कारखाने। फिक्र करो बाबूजी मैं सीधे वहीं जाता हूँ। पहलवान तुमने बड़ी कृपा की मुझ पर, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा? अरे टाइम मिले तो लिखना पढ़ना सिखा देना, उसके बदले में मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, छाती ऐसे बोले जैसे बम। हाँ। फिर मैं किसी से भी लड़ सकूंगा? क्यों नहीं, कोई खास आदमी जिसे तुम लड़ना चाहते हो? हाँ पहलवान है एक ऐसा आदमी। तो फिर मिलाओ हाथ। Thank you.
क्यों भाई कुछ ऐसा दिखे, नया रंग भी उठा तू? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ भाई, मेरा नाम कालू माल है, कारखाने में सब मुझे कालू भैया कहें, हारे डिपार्टमेंट में कहने घूम रहे। सारा क्या नाम है? मेरा नाम है भोलाराम बल्द मनसाराम, मैं हिसार से आया हूँ। हिसार का रहने वाला है? तब तो भाई हाथ मिला, मैं भी सरफ का रहने वाला हूँ, पानीपत का। भले मानस हो रहे, कब आया तू? जी आज मिलने मेरा पहला दिन है। तब तो यार यार लोगों को तुझे मिठाई उठाई खिलानी चाहिए, मगर तू तो इस तरह मुँह लटका के बैठ गया जैसे तुझे नौकरी जवाब मिल गया हो। जी जवाब तो मिल ही जाएगा, मुझे काम जो नहीं आता। यहाँ की ये बड़ी बड़ी मशीनें देखकर तो मुझे डर लगता है। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा। शाम को छुट्टी के बाद मेरे साथ चलियो, डिपार्ट से तुझे भी इसी तरह कपड़े दिला दूंगा। और फिर इन मशीनों से क्या डरना, ये तो हमारी गुलाम है गुलाम, डरना तो चाहिए इन चलती फिरती मशीनों से। क्यों क्या हुआ भाई, पहले दिन लोटन कबूतर हो गया हो रहा है बेटा? मैं तो ये देख रहा था यहाँ की औरतें ये बालों में क्या लगाती है। बम्बई का फैशन है, इसको कहते हैं वेणी, इनमें फूल नहीं प्रेमियों के दिल पर रोए जाते हैं। बात अच्छी थी, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आया था। उस रात तुमने मुझे आसरा दिया था ना, कि बड़ा शुभ हुआ मेरा तुमसे मिलना। और देखो देखो, मुझे काम मिला है कारखाने में, एक दिन तुम्हें ले जाऊंगा अपना कारखाना दिखाने। अरे ये बड़ी बड़ी मशीन है, तो एक बहुत बड़ा एक... क्या है ये? तुम खुद ही देख रहे हो, तुम्हारे लिए लाया। ना करें, हो सकता है कि जब मैं घर लौटूं तो आपकी बहू भी मेरे साथ हो। एक अभी बात पक्की नहीं हुई, एक लड़की तो बोले जी क्या करे भाई? कुछ नहीं, आज तुमने खाना भी नहीं खाया? नहीं, मैं माता जी को चिट्ठी लिख रहा था। ये तो अच्छा करे। और सुना, थोड़ा क्या हालचाल है? अरे कालू भैया, आपकी कृपा से मैं तो काम करना सीख गया। तो बस इसी खुशी में आज मेरे घर तो सलीमा चल। ओ कालू भैया, मैं जरूर चलता, मगर बात ऐसी, शाम को मुझे किससे मिलना है? किससे मिलना है भाई? वो कालू भैया, बात ऐसी है कि वो शाम को मुझे कोई एक गांव से कोई आदमी आया, तुमने उसे मिलने जाना, ये मत बना था? यही मत बना मेरा, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? बेटा जब मैं थारी उम्र का था ना, और मुझे किसी से लोग छुप के मिलना होता तो ये माना करा करूँ। अरे रहने दे इन बातों को, तेरे और भी दो चाचा के ढूंढ रहे हैं। दो चाचा? हाँ, अरे अनवर मियां और मिस्टर जॉनी। आप उन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। तो फिर चल। नहीं पांडे चाचा, आज नहीं आते, आज शाम को मुझे बहुत काम है। सीधी तरह चलता है, मगर कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में? हाँ, मगर हम तो भी जिंदा है। अरे बेटे डर मत, डर मत, हमने इसी धरती पे स्वर्ग बनाया है। चल चल। पांडू काका, इस बस्ती में कौन रहते? जो कहीं नहीं रहते वो यहीं रहते।
अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पांडू दादा के आने से पहले अपनी ये जन्नत तैयार हो गई। क्यों जानी बाबा हा? हर बरस बरसात में हम ये अपना पैराडाइज बनाता है और हर बरस हमारा ये पैराडाइज छीन लिया जाता है। आदम के जमाने से ये स्टोरी चलता आ रहा है अनवर मियां। ओ, इस घर में औरत की तस्वीर लाहौल में लाकुवत। द ओल्ड ओल्ड स्टोरी सरपंच इन द गार्डन ऑफ एडन। हाँ ये तो खैरियत हुई कि पांडू राव पहलवान ने इस तस्वीर को नहीं देखा मियां, वरना वो तो घर ही छोड़ जाते। करेक्ट करेक्ट। देखा देख भोला, ये है हमारा स्वर्ग। गुड इवनिंग मिस्टर जानी। गुड इवनिंग वेलकम वेलकम माय डियर यंग मैन। सलाम अनवर भैया। वालेकुम सलाम। सुनो तौफीक किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में है। अरे इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया। वेल डन वेल डन। बोला अब तुम इधर आओ, हम तुमको नहीं जाने देगा। बैठो बैठो बैठो। देखो बरखुरदार भोला, इस जन्नत को हमने अपने हाथों से बनाया है। इसके दरवाजे सब के लिए खुले, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, अछूत के लिए। ऑल आर वेलकम इन दिस किंगडम ऑफ हेवन। बोलो बोलो साफ साफ। हाँ सिवाय एक औरत की। हाँ इस घर का दरवाजा सबके लिए खुला है, हर मर्द के लिए खुला है, मगर किसी औरत की मजाल नहीं है कि इसकी दहलीज पर कदम रखे। हाँ भोला तुम आज ही अपना सामान यहाँ ले आओ। देखो बोला हमको चार महीना बरसात का इधर से कोई नहीं निकाल न सकता। हाँ जी जी आप लोगों की बड़ी कृपा है, मगर ये बस्ती शहर से दूर है और मुझे वहाँ मिल गई। मिल गई? क्या मिल गई? कौन मिल गई? जगह मिल गई जी रहने के लिए। ओ, नाटी बॉय। कोई सगे वाले होंगे? जी जी हाँ सगे वाले ही समझिए। अच्छा मैं चलूं, मुझे एक दोस्त से मिलना। खुदा जरूर जाओ, मगर संभल संभल पग धरना, औरत के साये से भी डरना। अगर मिल गई कोई नार ना बदार और ना हंजार, बन जाएगी गले का हार और वो तुम्हें कर देगी बेजार। मैं तो औरत की परछाई तेरी भागता हूँ। अगर नमस्ते सलाम गुड बाय जी। कौन है? मैं बोला। क्यों आए हो आज? तो बारिश नहीं हो रही तभी तो आया हूँ। कितनी अच्छी रात है और तुम क्या घर में बंद बैठी हो? चलो जरा शहर की सैर करें। अरे चलो विश्राम ले आज तो। जान पहचान वालों से होती। हाँ चलो। ये क्या है? तुम खुद ही देख लो ना, तुम्हारे लिए लाया। क्या फूलों का धंधा भी करते हो? हाँ हाँ कारखाने से जवाब मिलेगा तो शायद यही करना होगा। चलो जहाज में उड़ोगी? सलाम मेम साहब, इनाम मिलेगा? लेमनेड पियोगी? ये मोटर खरीद ले। चप्पल चाहिए? और घर बसाने के लिए मेज कुर्सी पलंग सिंगार मेज ये मैं जरूर देखूंगी। चलो
टाटा डार्लिंग, बाय बाय। अच्छा भाई तुम्हारा घर आ गया। हाँ, गया। तो मैं चला। अब तो मुझे जाना ही चाहिए। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था, रात बहुत हो गई, अब मुझे जाना ही चाहिए। अच्छा तो मैं जाऊं? अच्छा चला। डार्लिंग। प्रणाम। यहाँ सब कुशल हैं। मैंने इस महीने 40 रुपये मनी ऑर्डर किया है। कृपा करके आपकी होने वाली बहू के लिए एक अच्छा सा जोड़ा बनाना शुरू कर देना। पर सलवार और कमीज दोनों एक रंग की ना हो, ये फैशन ना। बोले क्या रहा है? कुछ नहीं कालू भैया, मैं माताजी को चिट्ठी लिख रहा। माताजी को चिट्ठी लिख रहा? हाँ। अच्छा तो चिट्ठी लिख, मैं बैठ गया खाना। नहीं 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 कालू भैया, बैठी, मुझे आपसे कुछ बात पूछना है। बात पूछनी? हाँ, हाँ। बोल भाई क्या बात पूछे? कालू भैया, कोई भी छोकरी हो, कोई भी छोकरी हो, उसे अगर कोई जरूरी बात करना होना तो कैसे करते? अच्छा तो तुमने भी ये रोग लग गया। भले मानस, मैं तुझे बड़ा सीधा साधा शरीफ आदमी समझू था। कालू भैया वो भी बड़ी, वो भी बड़ी शरीफ छोकरी है कालू भैया, बेचारी अकेली रहती है। हा? उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है ना। कालू भैया अगर मुझे उससे कोई शादी ब्याह की बात करना होना तो कैसे करूँ? देख मैं बताता हूँ, अगर तू होता सलीमा का हीरो और वो होती सलीमा की हीरोइन, पता तू क्या करता? फूलों का गुलदस्ता लेके सीधा नाक की सीधी उसके घर पहुंच जाता और उसके हाथ में गुलदस्ता देके चालू हो जाता। प्यारी, थारे प्रेम ने मारे जीवन की बगिया में बार ला दिए उरे। फिर वो कहे क्या बकवास करे, बड़ी इज्जतदार छोकरी है। हाँ मालूम है, बात बात पे छुरी दिखाती है। छुरी? छुरी दिखावे? हाँ। तो तू गाना चालू कर देना। हाँ, गला काट ले, हाँ गला काट ले, गुल बदन धीरे धीरे रे। सलीमा में तो भाई यही होवे। सलीमा नहीं है, जीवन है। जीवन? सलीमा नहीं जीवन है, और थारा प्रेम पक्का है, तो समय आने पर तुमने खुद ब खुद मालूम हो जाएगा क्या कहना। पर इस शहर में दो आदमी को अकेले बैठ के बात करने की जगह ही नहीं है ना। ठीक है, जहाँ जाओ भीड़ है, भीड़ भीड़। अगर कल भैया अगर कोई प्रेम की बात करे तो कैसे करे? हाँ हाँ भाई, ये जरा मुश्किल की बात है। तो सुन बेटा, प्रेम संगीत के लिए समंदर की लहरों का जल तरंग बनना बहुत मधुर हो गए। तू कभी भूले चुक के जुहू भी गया है? जुहू? हाँ जुहू ही बोल लूं। ओ वो जुहू। No.
खूब आनंद आता है। ए, क्या कहा, गाली तो रही थी। तो सीधी शादी हिंदुस्तानी में बोल। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है समंदर की लहरों में डूब मरूं। मरने की बात क्यों करें पगली, जीने की बात कर, जीने की। मैं जब भी खुश हूँ जी चाहे 100 साल जी। हाँ! ये लंबी सफेद दाढ़ी हो मेरी, और तू भी बुढ़ी और पोपली हो जा, न मुंह में दांत न पेट में आग। अजी ओ परंदी आ, सलाने बच्चों को तो संभालो, ये तुम्हारे पोते मेरे निवासियों को छेड़ते हैं। ये प्रोग्राम है अपना, दादा एक बात तुमने बताया था ना कि घर में तुम्हें सब भोली कह के बुलावे थे, तो फिर क्या ही अच्छा हो, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ ही रहे, भोला और भोली, भोली है भोला। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मगर क्यों? इसलिए कि अब मैं भोली नहीं रही, 3 महीने मैंने इस पापी शहर में काटे, 3 महीने फुटपाथ पे सोई, जहां बाप के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं। वो फूल देख रहे हो, कीचड़ में लथपथ, पैरों से मसले हुए, बस यही मेरी हालत है। यार को आज नई तरह निभाना होगा, प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, हंस के हर दर्द को हर गम को भुलाना होगा, हंस के हर दर्द को आंसुओं से जो बुझे जाते हैं, आंखों के चिराग आंसुओं से जो बुझे जाते हैं, आंखों के चिराग उन्हें दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा, उन्हें दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा, प्यार को आज नहीं अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल, अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल, शर्त बस ये है कि सीने से लगाना होगा, शर्त बस ये है कि सीने से लगाना होगा, प्यार को आज नहीं वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो जो मिल जाए तो साथ अपन जमाना होगा, वो जो मिल जाए तो
राधा। राधा देखो, तुम्हारी पवित्रता के फूल को मेरे प्यार ने धो दिया। शादी रचा कर आए हो मगर रहोगे कहाँ? फूलों की तेज कहाँ सजेगी? फुटपाथ के पत्थरों पर। क्या जी चाहता है? क्या जी चाहता है? जी चाहता है तेरे लिए बंबई की सब बड़ी बड़ी दुकान से अच्छी की साड़ियाँ खरीद के लाऊं और ढेर सारे जेवर, ये लंबे लंबे झुमके, ये बड़े बड़े झांझन और गले में नौलक का हार। जी चाहता है राधा तेरे ये बड़ा मकान बनाऊं, सोने चांदी की मेज कुर्सियां और ये बड़ा छप्पर खटो। और राधा मुझे ये सब मिल गया, इस घर में मेरे लिए सब कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय सिवाय तुम्हारे। अच्छा राधा, ये अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। साथ ही जीना है साथ ही मरना, क्यों मंजूर है ना? आज के दिन मरने की बातें मत करो। आज का दिन भी तो कोई मामूली नहीं। मैंने फोरमैन को टेलीफोन पर कह दिया, मास्टर मुझे छुट्टी चाहिए, आज मेरा हनीमून है। हनीमून मतलब नहीं समझे? शहद का चांद ऐसा मीठा जैसे मेरी राधा। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं की। राधा मुझे भी ऐसी बातें करने की आज तक इतनी अच्छी लड़की नहीं मिली। सच मुलाकात मिलते होगी, वरना प्यारे
बम्बई में दो चीजें ढूंढने से नहीं मिलती, एक सच्चा प्यार और दूसरा रहने के लिए मकान। लेकिन अब तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें सिर्फ 20 रुपया महीना पर सिर्फ शानदार बिल्डिंग में वो करना। क्या है माली मंगी कहां करो, फिक्र नहीं अरे तुम्हें कह रहा था सिर्फ 20 रुपया महीना पर इस शानदार बिल्डिंग में मैं तुम्हें वो कमरा दे रहा हूँ जो ताजमहल होटल में शायद 50 रुपये में तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो मिस्टर भोलाराम, ये कमरा देखो कितना बड़ा और हवादार, और मजे की बात यह है कि इस कमरे के साथ में 2 दरवाजे और 2 खिड़की है मुफ्त। कब आया पसंद? जी बहुत अच्छा है, जी बहुत अच्छा है। तुम आराम से कमरे का मुआयना करो, मैं जरा पठान से कह दूं कि कोई आए तो उसे चलता कर दे, ये कमरा मैंने किराए पे उठा लिया है। और सुनो, पड़ोसियों को न बताना कितने सस्ते में दिया है। दरवाजा बंद कर ले। नहीं जी, नहीं नहीं बंद। अरे बाप रे, कितना बड़ा कमरा है, कितना बड़ा कमरा है। राधा इसे देखी तो कितनी खुश, कितनी खुश होगी। यहाँ हमारे 2 खटिया होंगी, नहीं नहीं एक बड़ा सा छप्पर कट होगा, और यहाँ इस मोरी के पास राधा अपनी रसोई जमाएगी, और यहाँ एक अलमारी होगी जिसमें हम अपने बर्तन रखेंगे, और यहाँ एक बहुत बड़ा बक्सा होगा, हम उस पर अपने कपड़े रखेंगे, और खुटियों पर हम अपने पहनने के कपड़े रखेंगे। मैं राधा के लिए 4-5 अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद कर इस बक्से में रखूंगा, मगर उसे नहीं बताऊंगा। फिर इस कमरे को सजा कर एक दिन उसे कहूंगा, राधा एक दोस्त ने हमें दावत पर बुलाया, इसी बहाने से मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, और कमरे की सजावट देख के चकाचौंध हो जाएगी और पूछेगी, भोला ये किसका घर है? तब मैं कहूंगा, राधा ये हमारा घर है। घर तो तुम्हारा है ही है मिस्टर भोला राम, 20 रुपये महीने किराया है। जी मंजूर है जी, मिलते 90 रुपये महीने मिलते, आज ही पगार लीजिए। और 1 महीने का भाड़ा एडवांस? ये मंजूर है, ये लीजिए ये 20। और 40 रुपये मेरी कमीशन। 40 रुपये कमीशन? जी मैं तो समझा था आप ये सब दोस्ती में कर रहे हैं। भैया दोस्ती है तभी तो 40 रुपये मांग रहा हूँ, वरना कमीशन मेरी 60 रुपये होती है, 20 रुपये दोस्ती के, 40 रुपये कमीशन के। ये मेरा धंधा है भाई, आखिर मुझे भी तो जिंदा रहना है। तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा? खैर ये भी मंजूर है। बस तो अब एक छोटी सी बात और रह गई है, पगड़ी। पगड़ी? पगड़ी तो थी मेरे सर पर जब मैं बंबई आया था, मगर पहले ही दिन मेरी पगड़ी समंदर में गिर गई, तब से मैं नंगे शहर घूम रहा हूँ। बोला राम जी, मेरा मतलब उस पगड़ी से नहीं था, यहाँ पगड़ी का मतलब है रुपए। रुपए? 2000 रुपए। 2000? जो इस कमरे के लिए मालिक के मकान को देने होंगे। जी देखिए, 20 रुपए महीने किराया अलग, 2000 रुपए ऊपर से अलग, और 40 रुपए मेरी कमीशन अलग। 40 रुपए अलग जी। अरे बोलो भाई बोलो, अगर इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, मुझे वक्त जाया करने से क्या फायदा। चलो भाई, हम तो अपने पाइप में बड़े आराम से। माफ करना जी, आपको बहुत कष्ट दिया। नमस्ते। तो जाने कहाँ कहाँ से बुद्धू चले आते हैं बम्बई। अरे लाला, ये खाली है। बड़ी देर लगा दी, घर ढकने जाएगा, और मकान वाले ने 1000-2000 पगड़ी मांगी जो हम दे नहीं सकते। वही पुरानी कहानी, कभी 2 घड़ी आराम नहीं करते, क्यों रोज मकान की तलाश में मारे मारे फिरते हो? इसलिए कि मैं एक शरीफ आदमी, और शरीफ आदमी जो घरवाली ब्याह कर लावे है तो उसे गटर की पाइप पर रखना बड़ी शर्म की बात है। राधा घरवाली हो तो उसके घर भी होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो आदमियों की तरह 2 टांग पर खड़े हो सके, जानवरों की तरह हर वक्त 4 पैरों पर चलना पड़े। बस ये ले, तू बातें ठीक है। क्यों, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ
हम चाहे तो घर ले सकते हैं। पगड़ी देकर किराए पर? नहीं, हम दो कमरों का फ्लैट खरीद सकते हैं। दो कमरों का फ्लैट? हाँ राधा, दो कमरों का फ्लैट। रसोई घर अलग, बाथरूम अलग, साथ में वरांदा, बिजली की रोशनी, बिजली के पंखे। क्या सपना देख रहे हो? इतने रुपए कहाँ से आएंगे हमारे पास? आएंगे नहीं, आ गए। ये देखो, पूरे 12,000 रुपए। तुमने चोरी की? नहीं राधा, ये रुपया हमें भगवान ने दिया। ये बटवा सड़क पर पड़ा मिला, ये चोरी नहीं है। और चोरी किसे कहते हैं? तुम इन रुपयों से घर लेना चाहते हो तो ले लो। दो कमरे, बरामदा, अलग रसोई, अलग बाथरूम, ये सब तुम्हें मुबारक हो। मगर मैं उस घर में नहीं रहूंगी। राधा, तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस पाइप में, फुटपाथ पर, जाल की अंधेरी कोठरी में हर जगह रहने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। मगर जो घर तुम अपना ईमान बेचकर खरीदना चाहते हो वो न तुम्हारा घर हो सकता है और न मेरा। तो राधा तुम ही बताओ ना, मैं रुपयों का क्या करूं? ये तुम अपने मन से पूछो। मूलचंद पोपटलाल, मॉडर्न रोड। कितना बड़ा कमरा है? ऐसा नहीं, 22 ही कमरा और है ही घर में। बाप रे, 22 कमरे? आप तो थक जाते हैं सफाई करते करते। 22 कमरा के सफाई के लिए 22 नौकर। मुर्ती का घर क्या है? पूरा कंपनी बाग है। ऐसा नहीं, छठे घर और है। एक फ्लैट अपने गार्डन रोड पर, एक फ्लैट अपने मरीन ड्राइव पर, एक बंगला जुहू माँ, एक बंगला पूना माँ, एक मसूरी माँ और एक जयपुर माँ है। आपकी सेठ जी का तो बहुत बड़ा परिवार होगा। परिवार कहाँ बाबू, हमरे सेठ साहब के भाई शादी ब्याह कहाँ बहुत जोर परिवार हो। न बीवी न बच्चा, अकेले रहा ही घर में। ये आज 17 बरस से ही डाइनिंग टेबल पर उनके सिवा तो कौन खाना नहीं खाए ने। पांच टेलीफोन जी, आपकी सेठ जी 5 टेलीफोन पर किससे बात करते? अरे तू हमारे सेठ साहब का कहां समझा था? एक टेलीफोन फैक्ट्री से मिला, एक पर दिल्ली से बात करा था। और क्यों, उनका व्यापार हो तो देश विदेश में फैला है। रात दिन अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मन, जापान से जन तना तन तने काल आवत है। बहुत बड़ा व्यापार होगा सेठ जी का। अच्छा तो अब आप ही आराम से बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो गिराओ जी, हमरे सेठ जी स्नान कर लिए हैं तब हम तुम्हें बुलाओ। अरे डाला बोल डाला मार डाला, मेरा घर खोजेगा क्या? क्या हो गया सेठ जी, याद नहीं आपको? मालिश कर रहा है। मगर तुम कौन हो? मैं मेरा नाम भोला, भोला राम बल मरता राम। यहाँ का क्या, किसी ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं मैं, अरे धीरे क्या है जी, आपका बटवा? हाँ मेरा बटवा मिल गया। कहाँ मिला? रस्ते पे पड़ा मिला। अच्छा रामू तू जा। तुम बुद्धू हो जी? हाँ बुद्धू नहीं तो और क्या, तुम्हें 12,000 रुपए मिले और तुमने वापस कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो 100 रुपए ना। मुझे बख्शीश नहीं चाहिए। हाँ तो फिर क्या चाहिए जी? रहने को घर। घर तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम एक पाइप में रहते हैं, आपके 6 घर हैं, इस घर में 22 कमरे हैं।
बस एक कमरा आप हमें रहने को दे दीजिए, मैं 20 रुपए महीने किराया दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें बुद्धू समझा था, लेकिन तुम तो बड़े चाटुबीस निकले। हाँ, ये 12,000 वापस देकर मेरे घर में ही घुसाना चाहते हो ताकि एक दिन 12 लाख का सफाया कर दो। नहीं नहीं, चलो चलो निकले यहाँ से, आगे यहाँ से जा। भोला राम, देखा था सपना देख रहा था। अजी ओ, क्या नींद नहीं आ रही है क्या? इस कैद खाने में नींद कैसे आ सकती है? गर्मी के मारे बुरा हाल है, बुरा हाल है। आज बारिश नहीं हो रही है, चलो बाहर जाकर फुटपाथ पर सो जाएं। कभी नहीं, कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उसकी बीवी को फुटपाथ पर भिखारियों की तरह सोना पड़े। मगर सच कहता हूँ राधा, हमें 2-4 महीने और यहाँ रहना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा, समझी? पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं पागल। तू कितनी अच्छी है राधा, मैं सारी दुनिया का गुस्सा तुझ पर उतारता हूँ और तू एक बार भी नहीं बिगड़ती। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। पहले आंखें बंद कर लो। क्यों? मुझे शर्म लगती है। लो आंख बंद कर ली, कहो। तुम्हारे इस घर में नन्हे से मेहमान आने वाले हैं। नन्हे से मेहमान? सच राधा सच, मेरा मतलब तुम बाप मैं माँ, नहीं मेरा मतलब कि मैं माँ तुम बाप, नहीं मेरा मतलब हम दोनों बाप बनने वाले हैं। मैं कभी माजी को छुट्टी लूंगा और सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। सारे मोहल्ले में लड्डू बांटे की लड्डू। मुन्नी का नाम क्या रखेंगे? मुन्नी नहीं, मुन्ना होगा। मुन्ना होगा सच? तुम्हें कैसे मालूम? बस है मालूम, मुन्ना ही होगा। मुन्ना होगा तो फिर भी मुन्ने का नाम तेरे नाम पर रखूंगा। हाँ, राधे श्याम, राधे श्याम बस भोला राम। सुन ले राधा, अपना बच्चा स्कूल पास करके कॉलेज जाएगा, कॉलेज। मगर वो कॉलेज जाएगा और उसके दोस्तों ने कहा तुम हमें अपने घर ले चलो, तो उन्हें कहाँ लेके आएगा? इस पाइप में? तुम्हें तो अभी से स्कूल और कॉलेज की फिक्र पड़ गई, अभी तो मेहमान के आने में भी कितने ही महीने हैं। ठीक है, मगर इस हालत में मैं तुम्हें इधर नहीं रख सकता, कल ही मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ। मगर कहाँ? Thank you.
नंबर छह। अरे कौन है भाई उधर? कालू भैया हम आ गए। अरे कौन बोलिए? आजा तेरे मांग में आजा। निकल गया तेरे मांग में। आजा तो अंदर आजा। ला बिस्तर ले गए थे। देख भाई बोले ये है हमारा चीफ महल। हम सब इसलिए गुजारा कर रहे हैं। जगह कम पड़ जाए तो मैं बाहर रुक जाऊँ। मैंने कहा सुनती हो? मैंने कहा बोला क्या बोल रू? ये हमारा बोले ये उसकी बहू है। मैं जब बहुरे बाजे सफर करते हैं तू भी बाजे। मैं जब बोले आ जा रहे हैं बोले ये मेरी बहन है। ये बोले की बहू है। सारे बोलने की बहुत तो बड़ी सुंदर है। ये मेरी है। इस तो भी तो ये मेरा छोटा भाई छोटू। ये बोल ये उसकी बहू है। ये मोटर कंपनी में काम कर रहे हैं। हमने आज तुमने पढ़ा लिखा भी हुआ है। अच्छा भाई चंदू ये बात सुन ले दिल खोल के। ये है हमारा थारा काका हमारा भोले और ये है थारी काकी। ये सब हमारे साथ ही मिल बांट के आज तक आ करेंगे समझे? नहीं 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 भैया हम तो यही कहने आए थे कि हमें एक बड़ी अच्छी जगह मिली। हमारे पालू काका के पास बहुत बड़ा घर है और उन्होंने हमें कमरा दे दिया रहने के लिए तो हम वहीं जा रहे हैं। चल दादा तो ठीक है ना? तुम्हारी मर्जी। मतलब हमने अपने पालू काका के मिल बांट के बता रखा है ना पानी। अरे घर की बात है कालू भैया। चल रहा हूँ तुमने घर तो देख के आती जाती रहना हुए है। कोई बात नहीं भैया। जय राम जी की बोले बोलने पर एक बात याद रखियो। घर भले ही छोटा है मगर थारे कालू भैया का दिल बहुत बड़ा है। नई जगह पे तुमने कोई भी अड़चन पड़े बगैर खर्च के उड़े चला जाना क्योंकि गांव की इज्जत का फरार पड़े हो रहा है। जय राम जी। जी तेरा फरार आसवाद बना है तेरा कमाऊ जी। मुन्नी की माँ बाल का क्यों रहा दादा? ये दुनिया कितनी अजीब है। एक आदमी 22 कमरों में रहता है और 22 आदमी एक कमरे में। पागल बापरे। चल ना थक गई? नहीं तो बस अब थोड़ी दूर है। वो रही बस्ती। अरे मिस्टर जानी कहाँ गया तुम्हारी आंख का पानी? आए 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 माँ बंद करो ये बेवक्त का राग। मुझे याद करना है अपना डायलॉग। मैं भी नहीं बंद करूंगा। मैं भी याद करता ही जाऊंगा। बेटा तुमने अपने बूढ़े भीखू दादा को थप्पड़ मारा। क्या तुमने दुनिया की तरह से मुझे अपना नजर ही भूलूंगा कि मैंने तुम्हें अपना खूने शिखर देकर परवान चढ़ाया है। कहकर तुम्हें खोने का निवारण किया। मेरी जिंदगी भर की मोहब्बत और खिदमत का सिला ये थप्पड़ है तेरा। अनवर मियां तुम्हें तुम किए बार-बार बंद करो। कोई लोग आसन करता उसका ध्यान बंद नहीं करना चाहिए। लाहौल विलापुर लाहौल विलापुर। इतने दिनों के बाद तुम यहाँ एक डायलॉग मिला है और आप साहिबान फरमाते हैं कि बंद करो याद मत करो। मैं जरूर याद करूंगा जरूर जरूर याद करूंगा। बेटा तुमने थप्पड़ मारा ये अपना नौकर ही समझते हो। अब ये क्या कह रहे? बोला बर्खुरदार मैं तुमसे थोड़ी कह रहा था। मैं तो फिल्म का एक डायलॉग है उसकी ये सब कह रहा था भाई। बहुत अच्छा किया गए हर किस्म का आराम मिलेगा तुम्हें यहाँ। मेरे पलंग पर बैठो। नो 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 यू टेक माय ठीक है। मतलब है आपका? देखो मिस्टर जॉन फर गए बोला बम्बई में सबसे पहले हमको मिस किया। ठीक है तो बगैर बोला को नौकरी किसने दिलवाई? पांडू दादा ने। जॉनी बाबा अनवर मियां मैं अकेला नहीं आया। मिस्टर राधा भी आई। राधा वुमन एक औरत। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये क्या कह रहे? राधा मेरी पत्नी। पत्नी वाह वाह जी हाँ
कभी वो पत्नी के रूप में आती है और कभी पतिता के, कभी वो अर्धांगिनी कहलाती है और कभी रफीक़े हयात, और कभी वो मोहनी है कभी जुलेखा। मगर चाहे वो कुछ भी कहलाए, औरत एक नागन है, जब वो मर्द की जिंदगी में आती है जरूर तबाही और बर्बादी लाती है। विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की? मोहिनी ने, एक स्त्री के स्त्रिया चरित्र। आज हमको पैदाइश से कौन निकाला? क्यों निकाला? टेचरी थाई नेम इज वुमन। बड़खुदा भोला, अगर मेरी बात मानते हो तो उस सुनहरी नागन से पीछा छोड़ाओ। अनवर मियां, मैं क्या कह रहा हूँ, राधा मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा? बच्चे की माँ? मगर वो ये मसला तो गौर तलब है। अच्छा तुम यही खड़े रहो, बिरादरो जरा उधर तो आओ। कम देख रहे हो भाई, जाओ जाओ राधा को ले आओ। गो गो ब्रिंग हर। जॉनी बाबा, अनवर मियां, पांडू दादा, सुखी रहो। सिद्धाल सिद्धाल, बैठो बैठो। अरे वहां नहीं, वहां नहीं, वो तीन टांग की कुर्सी है जानी बाबा की। इधर आओ, इधर इधर बैठ। हाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मगर मन अच्छा ना खाना खाना, मैं तकिया रख दू। हाँ देखिए, आराम से बैठो, आराम से। अभी तो आप राजा को बाहर निकालने वाले थे और अब इतनी मेहरबानी। मैं बताता हूँ, इस घर के दो कायदे। क्यों? हर औरत के लिए दरवाजा बंद और हर मर्द के लिए दरवाजा खुला। लेकिन राधा गर्भवती माँ बनने वाली, वो नन्ही सी जान जो इसके अंदर पल रही है ना, अरे मुमकिन है वो मुन्नी नहीं, मुन्ना। हाँ बरखुदार, बेशक औरत है शैतान, मगर माँ है साये रहमान। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बस बस बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो। अरे हाँ भोला, बात तो सुन। ओह भाई, यहाँ तो बड़ी सख्त गर्मी है, मैं अपना बिस्तर बाहर ले जाता हूँ ना। पांडू दादा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे क्या बोलते हो अनवर मियाँ, इधर तो हमको सर्दी लगती है। अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि हाँ, बाहर हवा भी होगी, मच्छर भी कम होंगे। चलो क्यों जानी बाबा। बाय 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 बाय। यस 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 यस, फ्रेश एयर इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। कम ऑन। कितना अच्छा घर, घर वाला भी तो अच्छा है। और घर वाली वो तो और भी अच्छी है। पति की बात को झुटलाती। दादा सच सच बता, तू खुश है ना? कितनी खुश है? मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मुझे डर लगता है। ब्लेस यू माय सन, आज बहुत हैप्पी नजर आ रहा है। चीज ऐसी आई है। वेरी गुड वेरी गुड। दीदी तुम आ गए? हाँ आ गए, देख फिर लेके आया हूँ। अरे अंदर ना आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तो फिर ये पैंट माँ ने भेजा है तेरे लिए हिसार से। जल्दी कर राधा, जल्दी कर। देखना चाहता हूँ तो पंजाबी कपड़ों में कैसी लगती है। जल्दी कर राधा, जल्दी।
डबल रोटी लाया तो मैं क्यों बताऊं कि बिस्किट लाया हूँ? मैं भी। ये जोड़ा राधा कृष्ण माने के साथ भेजा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अनवर, हमारा जानी बाबा लाहौल मेरा पुत्र, हमारी राधा के लिए सिर्फ ब्यूटीफुल। हमारा ये कहो कि चेहरे पे सादगी है, माथे पे नूर है, और आकाश की परी है या जन्नत की हूर है। अति सुंदर, आओ जातीचा सुंदराना काही शोधो। जी आपने क्या फरमाया? खूबसूरत। हाँ खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई राधा, तुम्हारी सास ने इतने अच्छे अच्छे तुम्हें कपड़े भेजे हैं तो कम से कम इस खुशी में हमें एक साथ जाए मिल जाए भाई। हमको मिल जाया करे बस एक प्याली चाय की, गोरे गोरे दूध की और काली काली चाय की। चाय मिलेगी और जरूर मिलेगी, मगर पहले आप सब लोग नल पर ना कराएं। अरे भाग्यवान, ये भी कोई स्नान करने का समय है। हाँ, मैंने अभी मैं तो जुमे को नहाया था मैं। और आज क्या है? आज जुमेरात है। हम संडे को नहाएगा, आज चर्च को भी जाएगा। नहीं जॉनी अंकल, आप आज नहाएंगे और अभी नहाएंगे, और आपके साथ ये अनवर चाचा, पांडू काका और आप तीनों का ये भतीजा भी। मैं भी? हाँ हाँ तुम भी, चलो चलो जल्दी करो। तो ये लो भाई, बोला ये तूने शादी की है ना, तो तेरे सारे क्या करे अनवर भी, आप जो हो गया। इसको हम बोलता है अनवर मियां। थैंक यू माचार्य, थैंक यू वेरी मच। जजा कर वंडरफुल वंडरफुल जी। चलो सब अपनी अपनी प्याली धोकर लाओ। आए? अरे कमाल है, अब तो ये छोकरी हम पे हुक्म चलाने लगी है। अरे जरा हमें ठीक से बता दे कि तू हमारी बेटी है कि हमारी माँ है। एग्जैक्टली, हमारा मदर भी हमको ऐसे ही बोलता था अनवर मियां। कमाल चलो जानी बाबा, इसकी नादिर शाही ने बड़ा लाज में दम किया, धोना ही पड़ेगा। गुड हैबिट, गुड हैबिट। कमाल माय डियर बॉय। क्यों पांडू काका, चाय नहीं पी? मैं शाम को चाय नहीं पीता। देखा, फिर क्या पीते हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखा देखा, क्या ढूंढ रहे हो पांडू काका? कुछ नहीं कुछ नहीं। पांडू काका, आखिर क्या ढूंढ रहे हो? दवाई की बोतल, तुम्हें कहीं देखी? दवा की बोतल? हाँ हाँ। ये तो नहीं। दवाई बोतल, तो मुझे मारो। यू वांट टू किल अवर होल मदर पांडू। Thank you.
मुझे क्षमा करना। नहीं संभाल के पांडू काका कहीं कांच न जुट जाए। पांडू काका तुम सच्चे पहलवान हो। ये सब अल्लाह का फजल है। बस ये समझो कि अपने भोला की लक्ष्मी जब से घर आई है मियाँ 10-12 मेकअप तो मिल ही जाते हैं। बस समझ लो तुम। अरे ये रखा, अरे रख, अरे बाल्टी रख। अरे बाप रे बाप, हट पर हट जा जल्दी। इतनी भारी बाल्टी उठाएगी? चल तो सही तू घर, मैं तुझे खैरियत पूछवाता हूँ अभी। भोला, ओ भोला, देख अपनी औरत से कह दे कि अगर यहाँ रहना है तो ठीक तरीके से रहे, वरना ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगी। क्या हुआ अनवर मियां? अरे मुझसे पूछ रहा है, ये खड़ी है ना, पूछ से पूछ, पूछ पूछ। क्या हुआ राधा, बोलते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या अनवर मियां, तुम ही बताना। अरे पागल, ऐसी हालत में औरत को बोझा नहीं उठाना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वैसा कुछ हो गया तो फिर। यस अनवर मियां एकदम राइट है बोला। राधा को ऐसा कंडीशन में वेरी वेरी केयरफुल रहना मांगता। सब समझ में आई बात? और हाँ एक और बात कहता हूँ, इसका काम पर जाना आज से बंद कर दो। अरे अजीब बेशरम लड़का है, इस हालत में भी अपनी औरत को काम पे भेजता है। राधा इधर आओ। सुनती हो अनवर मियां क्या कहते हैं? आज तुम्हारा काम पे जाना बंद। खबरदार जो घर से बाहर निकली। 30 रुपये महीने में लाती हूँ तब भी मुश्किल से गुजारा होता है, अगर मैं घर में बैठी रही तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे इसकी चिंता हम करेंगे, हम अभी तक जिंदा है, मरे नहीं। क्यों भाई ठीक है, ले ले ये सब्जी। और हां तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? चला काम पे जल्दी, भाग जल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। अनवर मियां ये 3 रुपए। वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि सब मिलकर 45 रुपए हुए। जी हाँ। यू मीन 45 रुपीज? नॉट बैड अनवर मियां, नॉट बैड। कहो भाई क्या हाल है दोस्तों? ये लो फिर आ गया काना दज्जाल, यानी शैतान का दज्जाल। अरे दो गालियां और दे दो अनवर मियां, दो गालियां और दे दो। लेकिन रुपए निकालो रुपए। 15 रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का जमीन का किराया 45 रुपए अलग, और 5 रुपए महीने के हिसाब से 15 रुपए मेरी कमीशन अलग। जी हाँ, कमीशन क्यों नहीं, कमीशन तो आपकी मेहनत की कमाई है ना। अरे कमबख्त, ये सब मिलाकर हमारे पास 45 रुपए हैं। अरे अनवर मियां वो भी चलेंगे, वो भी चलेंगे। ला 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 ला। 15 रुपए मेरी कमीशन अलग, और 30 रुपए शेर साहब के अकाउंट में अलग। रहे 15 रुपए वो अगले महीने के किराए के साथ अलग। हरगिज नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये हमने जमा किए अपनी बेटी राधा के लिए। लेकिन अनवर मियां इस हालत में राधा के लिए मकान का रहना जरूरी है। दे दो इसे। मगर पांडू दे दो। गिव हिम अनवर, गिव हिम। अरे अनवर मियां गिव गिव गिव।
देखिए नाउ गो मैन गो गो अरे गो गो ठीक है जानी बाबा दो महीने के बाद तुम सबको यहाँ से गो होना पड़ेगा जमीन खाली करनी पड़ेगी है? क्या मतलब है तुम्हारा मतलब सांधे बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी ना आती हो तो मैं बता दूं इस जमीन पर किराए पर उठाने के लिए सेठ जी तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और फिर हम लोग कहाँ रहेंगे आप लोग जहाँ जी चाहे रहिए ताजमहल होटल राजमहल होटल नोटिस मिल गया जानी बाबा पीछे भाग भाग ना आई राधा रही ये कौन आदमी था पांडू काका ये वो बेटा ये वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है यस यस एन ओल्ड फ्रेंड एज ओल्ड एज द डेविल जिसने एडम को पैराडाइज से निकाला था माय चाइल्ड कौन चुगरे चुगरे जग्गा दादा हाँ जग्गा दादा लेकिन तू है कहाँ इतने दिन से कभी मिला ही नहीं मिलूंगा जग्गा दादा एक दिन जरूर मिलूंगा अबे जा तू क्या मिलेगा इधर उधर भिजवाता है क्यों ये बहुत बुरा धंधा है बेटे अभी अगर वो कहे तो तुम इनकार कर देना दादा मुझे मारेगा तू डर नहीं बेटा तू चल हमारे साथ रह यहाँ तेरा दादा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता चलो बोला दूसरी ले जाता क्यों खड़ी हो वो आया था कौन आया था वही शैतान उसे यहाँ का पता चल गया है
दादा एक बार उसका नाम बता दे, फिर उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी तुझे छेड़ने की। वो कौन था दादा, वो कौन था? जग्गा। वो शैतान जग्गा था राधा। उसके तो और भी कर्जे उतारने हैं मुझे, मगर तू फिक्र न कर राधा, आज से जग्गा किसी लड़की को कभी छेड़ नहीं सकेगा। अब मैं वो भोला नहीं रहा। तू वो भोला नहीं रहा। नहीं। कमीने, तेरे ये मजार। दूसरे वाले बदमाश। तेरी दोस्तों की लाश लूटने वाले कमीने। बोलो मिस्टर भोला, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। जी हाँ, बहुत शरीफ। अरे शराफत तो तुम्हारे चेहरे से टपकती है, चलो ले चले से। इतनी बड़ी डॉक्टरनी को लाए, 20 रुपये तो फीस लेगी। अरे भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा भोला, तू चिंता मत कर। सरदार, बहुत दुख और दर्द से ही जिंदगी पैदा होती है, तुम एकदम फिक्र मत करो, एकदम फिक्र मत करो। तुम इंशाल्लाह हमारी राधा थोड़ी ही देर में हंसता खेलता बच्चा तुम्हारी झोली में डाल देगी। मिस्टर भोला, मेरी राधा को क्या हो गया? घबराओ नहीं, अब भी होश आ जाएगा। तुम इसके पास बैठो, मैं इंजेक्शन तैयार करती हूँ। राधा, क्यों जी, तुम आ गए? हाँ राधा, मैं आ गया। अब तुम बिल्कुल फिक्र न करना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर! होली मदर, सेव द चाइल्ड। हमारा राधा का बेबी सेफली हो जाएगा तो माउंट मेरी के चर्च में बड़ा बड़ा कैंडल जलाएगा। या मेरे महबूब, या गफूर रहीम, अपने हबीब के सबके में हमारी राधा और उसके बच्चे की जान बचा ली।
उनके बदले अगर मेरी जान चाहिए तो हाजिर। हे बजरंग बली, मैंने जिंदगी भर तेरी पूजा की, तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज एक प्रार्थना, राधा और उसके होने वाले बच्चे की जान बचा प्रभु। देख रही है। जिद्दी हो तुम लोग, हमने अपने अपने झोपड़ा खाली कर दिए, तुम अपने झोपड़ा क्यों खाली कर दे? आखिर यहां क्या हो रहा है? एक इंसान पैदा हो रहा है। इंसान पैदा हो रहा है? मिस्टर भोला, मुन्ना मुबारक हो। तुम्हें बताएं, कह नहीं दिया कि इंसान पैदा हुआ है? इंसान हमारे भोला और राधा का पहला बच्चा। बच्चा पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ क्या? अब चलाना अपना बुलडोजर। बुलडोजर खराब हो गया है और खराब ही रहेगा, मगर कितने दिन? कितने दिन? कम से कम 3 दिन। इससे पहले जच्चा को उसकी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। क्यों भाई काशीनाथ, बुलडोजर ठीक होने में कम से कम 4 दिन तो लगेंगे ही। जी हाँ, कम से कम 4 दिन। प्रेज बी टू द लॉर्ड। धन्य हो भगवान। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी जन्नत को 4 दिन के लिए बचा लिया। अरे सो गया। ए? क्या हुआ, क्या हुआ? बुलडोजर रुक क्यों गया? बुलडोजर खराब हो गया है सेठ जी। ठीक कब होगा? मेरा ख्याल है सेठ साहब, अब आपका बुलडोजर कभी नहीं चल सकेगा। क्या मतलब?
वो सब तो वापस फुटपाथ पर चले गए, अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएं, मगर फुटपाथ पे नहीं जाएंगे। और कोई जगह नहीं मिली तो हम अपने पाइप में ही वापस चले जाएंगे। हजार घर हजार दर ये सब है अजनबी, मगर खबर नहीं कि अब किधर मुड़ेगी अपनी रह गुजर। यहाँ से जाएंगे कहाँ, आमान पाएंगे कहाँ, ये जिंदगी की बेबसी, ये बेबसी की जिंदगी। तो बहुत अंधेरा है, शहर है? शहर नहीं, ये सपना है। रुबा मैंने चार में क्या क्या